साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी, कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है,
बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा।